हाँ लालेदार हमारे बच्चे खाना खा रहे हैं। गुड आफ्टरनून सर, कैसे आप सर? हाँ मैं आशा करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। सर अभी हम आए हैं मार्केट कन्याओं के लिए सामान लेने के लिए, साथ ही में थोड़ा बहुत हमारे लिए भी कुछ खरीदेंगे। क्या हुआ? टाइम नहीं पता है अभी टाइम क्या हो रहा है। 2 बज रहे आपकी जीजू ने अभी छोड़ा, पापा आ गए थे तो हम घर पर बैठे बैठे गप्पे लड़ा रहे थे पापा के साथ में। क्या हाँ बड़े डेडा की दुकान पर है डेडा, आज मैंने अलग हेयर स्टाइल करी थी। तो दीपावली भाभी आप हर बार एक ही करते हो, आज चेंज करो। तो मैंने पोनी करी थी, फिगर नहीं हो रही थी तो मैंने जूड़ा बना लिया। पहले इधर चलो ना, इधर गए तो काम है सब। हाँ उतार चलो और हमारी गाड़ी। चलते हैं। गाइस अभी टाइम हो रहा है 4 और हमको कन्या भोज करवाना था, बट सारी कन्याएं 5 बजे जाएगी कोचिंग से 6 बजे आएगी, तो क्यों ना 6 बजे ही कराया जाए, क्योंकि नहीं तो इधर से फटाफट करते हाई बाप करते हुए जाएंगी ये लोग। तो जब तक हमारा खाना भी बन जाएगा, तो अंदर चने हो रहे हैं, दूध हो गया है और चावल हो रहे हैं, खीर बन जाएगी, चने होंगे, वैसे सब्जी बना दूंगी और पूरी। वो आएंगे तो पेट भर के खाना खा के जाएंगे, छोले मतलब चने की सब्जी, खीर और पूरी ये बच्चों को खिला दूंगी मैं। मीठा तो ज़्यादा खाते नहीं, खीर उतनी ही बनूंगी, और उनके लिए सामान भी ले आई हूँ देने के लिए, तो वो भी दे देंगे। और सॉरी ब्लॉग अगर लेट आया हो तो पता नहीं, अभी तक तो एडिट वगैरह कुछ ही नहीं हुआ है, तो कल ब्लॉग आने वाला है। 4:00 बज गई, टाइम पता नहीं क्या होता है। नहीं आया अभी, आया था। हाँ छोली लेके आया था तो तुम गंदी वाली भैया। हाँ चबर चबर गाइस, तो अभी हम कन्या भोज का खाना वगैरह तो सब बन गया है, कन्या आ गई, अभी इसको झूला के ले जाते हैं अंदर। ये अभी तो इतनी यही है, तीन सबसे बड़ी कन्या, तेजल तो ऊपर भग गई, इसको बोला बुला के ला तो ला नहीं रही है। क्या करना तेजल जी का? ऊपर आवाज़ तेजल नीचे आ। भाभी मैं अब तारा पैर दो ले चलो। हे गाइस सब फिलहाल इधर हमारे बच्चे खाना खा रहे हैं, ज्यादा नहीं मिले, जितने मिले उतने ही बहुत है। दुग्गू कैसा लगा खाना? चलो बैठो। क्या हो गया प्रिंसी? हाँ सबको मिलेगा। हाँ छप तो लगा उंगली में है ना। हाँ ओके। हाँ आपको भी मिलेगा, बैठे रहो बैठे रहो। आप मम्मा
उसको कितनी खुशी है, हाथ पहले ही दो दो कर दिए। क्या बोल रही, पैसे भी रेडी और हम जा रहे हैं गरबे देखने के लिए। देखो मेरा हेयर स्टाइल, कल खरगोन में एल्विस यादव आएगा ना। हाँ मेरी हेयर स्टाइल कैसी लग रही कमेंट में बताना। फर्स्ट टाइम मैंने अभी शादी के बाद फर्स्ट टाइम बनाई है, शादी के पहले तो बहुत बनाती, सोचा आज बना लूँ, बट उसमें भी मेरे को बालों में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा और बहुत जल्दी उलझ रही है। मेरे पास तो आना ही मत पापा वाली। फिर उसको तू क्या समझती है, अभी भगा रही थी तू उसको। देख ले मेरे पास गाड़ी है, ठीक है ना। चलिए ये बता तेरे पास तेरी खुद की गाड़ी है, ये तो तेरे डैडा की है। ये ना मिली है वो तो जरा ने दबते दो इजन। आना मत मेरे साथ है ना, बोल देती हूँ पकड़ ले गिर जाएगी, गाड़ी पीछे कर रहा हूँ मैं। पकड़ पापा को। देखो क्या उतनी पड़ी है, गोबर है तो वो क्या काटेगी, तू थोड़ी ना काटेगी। वैसे फिलहाल यहाँ तो अभी गर्भ स्टार्ट हुए नहीं है, सेटअप चल रहा है और यहाँ की माता रानी बहुत ज़्यादा सुंदर है। देखते हैं
हम यहाँ के गरबे कब स्टार्ट होते हैं, होंगे होंगे हर बार यहाँ ओपन गरबा होता है, बट इस बार एकदम सफरा रहेगा। यहाँ की तुलजा भवानी की नारी शक्ति ग्रुप एप हो गरबा करेगी। सो ब्यूटीफुल, इतनी सुंदर रियल में देख रही है ना, पास में आप देखोगे रियल में तो क्या ही पता पाओगे। हाँ